बोलते हैं पुआर। अभी इसको निचोड़ना है। लाल मिर्ची आ गई, ये हल्दी पाउडर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में स्वागत करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ पहाड़ में और सब्जी ढूंढने के लिए, तो बने रहिए इसी वीडियो में। सामने पूरा पहाड़ है और बहुत ही शानदार नजारा है सुबह मॉर्निंग का। और आज है सोमवार, सोमवार के जंगल में महादेव का स्थान है, बहुत ही शानदार, और वाटरफॉल्स गिरता है, तो आज काफी मात्रा में लोग आएंगे, तो वहां भी चलेंगे। आदिवासी क्षेत्र में जो बारिश के समय होने वाले सब्जियां जो पहाड़ों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार, ट्राइबल विलेज इंडियन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं अभी आया हूँ महादेव दर्शन करने के लिए भुजेश्वर। भाई साहब देखे कितना बड़े पत्थर हैं, और यहाँ पर खाई है और पानी बह रहा है। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं, बहुत बड़ा गहरा कुंड है, इतने सारे लोग आए हैं। सामने पानी आ रहा है, वहाँ पर बारह मास पानी आता है। यहाँ पर शेष नाग जैसी आकृति बनी हुई है, और ये पूरे शिवलिंग के नीचे छत्तर होते हैं, इस प्रकार बना हुआ है। ये है पुजारी और ये प्रसाद है, अंदर है शिवलिंग। ये है वाटरफॉल्स, ये है नजारा पूरा, देखिए शानदार। मेरे को सब्जी मिली है, इस सब्जी को मैं भी पहचानता हूँ, परंतु मैंने कभी सब्जी नहीं खाई, तो आज मैं ये सब्जी लेके जा रहा हूँ घर। ये वाली सब्जी है, ये मैंने छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी बाजार में बेचते हुए मैंने देखा था, और कैसे बनती है, इसका टेस्ट कैसा रहता है, वो सब बताने वाला हूँ। बने रहिए इसी वीडियो में। हमारे साथ आए हुए लोग भी ये सब्जी ढूंढ रहे हैं, और इनको काफी मात्रा में मिली है। तो ये वाले हैं, तो ये वाले पत्ते लेने पड़ते हैं इसके। ये वाले हमने सब्जी ले लिए हैं, अभी चलते हैं सीधे घर पर और सब्जी बनाते हैं। यहाँ का नजारा बताता हूँ एक बार, ये देखिए भाई साहब पूरा जंगल है, इसे बोलते हैं पुआर। तो ये पत्ते हैं, अभी इसको धो लेते हैं। चूल्हे के ऊपर रख देते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल रहा हूं पानी। तो अभी ये पानी के अंदर डालते हैं सब्जी। इसके ऊपर रखते हैं ढक्कन, आधे घंटे तक इसको पानी में उबालना है पत्ते को। ये मैंने आधे घंटे तक पुआर के पत्ते को उबाल दिए हैं, और नीचे उतार देता हूँ। इसे थोड़े से ठंडा होने के लिए रखना है, और पत्ते को पानी से निचोड़कर बाहर निकालना है। अभी इसको निचोड़ना है अच्छी तरह से। Thank you.
इसे अच्छी तरह से निचोड़ दिया है। निचोड़ कर अभी इसको अलग अलग आप देख सकते हो, मैं अभी इसे अलग अलग कर रहा हूँ। कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया है और गर्म भी हो चुका है। जीरा डाल दिया और लहसुन, और ये मिर्ची है और प्याज है। लाल मिर्ची आ गई, ये हल्दी पाउडर, ये नमक, तो अभी ये 5 मिनट में ही पक गई। करते हैं किस प्रकार हमारी भाजी बन गई है। ये पुआर की है और ये आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारी पाई जाती है। इसकी फलियां होती है ना, वो पकने के बाद आदिवासी जो बच्चे लोग होते हैं और बेचते हैं और 20 से 40-50 रुपए किलो बिकता है। तो अभी टेस्ट करते हैं फाइनली। बहुत ही अच्छी बनी है, इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा है, किसी सब्जी से भी नहीं मिलता है इसका स्वाद, और क्या बताऊँ आपको।